पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संयुक्त रूप से मुरादाबाद में अलीगढ़ से मुरादाबाद तक के NH-93 की 950 करोड़ की लागत से बनी दो लेन सड़क जिसकी कुल लंबाई 140 किलोमीटर की योजना का लोकार्पण किया। साथ ही हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद तक के NH-24 के 6 लेन सड़क, मुरादाबाद से जसपुर तक 4 लेन सड़क तथा नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत मुरादाबाद शहर में IND और 25 MLD क्षमता वाली STP परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट से गंगा में जाने वाले दूषित पानी को रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत यूपी में कई जगह योजनाएं चलाई जा रही हैं। गंगा के घाटों पर सफाई का कार्य किया जा रहा है, गंगा को निर्मल बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में सड़कों का जाल बिछा होने के कारण सड़कों से हमारे देश की तस्वीर बदल रही है और देश का विकास हो रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन से पूर्व सबसे पहले देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद अपनी बात रखते हुए कहा कि आज प्रदेश के पदों के लिए भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री करोड़ों की सौगात लेकर आए हैं। ये विकास की गंगा मुरादाबाद, संभल, मेरठ और अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बह रही है। सड़कों का निर्माण कर सरकार ने कई पीढ़ियों का विकास किया है। पहले जनता को दिव्य स्वप्न देखती थी, आज साक्षात उन्हें अपनी आंखों के सामने पूरा होते देख रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए गडकरी जी के नेतृत्व में चाहे सड़क मार्ग हो या जल मार्ग, वायु मार्ग हो या समुद्र मार्ग, सभी क्षेत्रों में जितना विकास गडकरी जी ने कर दिखाया है आज तक केंद्र के किसी मंत्री ने नहीं किया होगा। आने वाले समय पहले सड़कों के निर्माण को लेकर के जो हमारे पुण्य कर के हर बात की के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय सड़कों का जाल अपनी सरकार में दिखना शुरू हुआ था, लेकिन बीच में जो 10 वर्ष तक कांग्रेस की अगुवाई में सपा बसपा की बैठा की आधार पर सरकारें काम की है, उस समय विकास का सारा काम रुक गया था। मैं आप सब लोगों को यहां पर आह्वान भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो विकास के स्वप्न आपने देखे हैं, हमने एक पीढ़ी के लिए नहीं, आदरणीय गडकरी जी की अगुवाई में आने वाली कई पीढ़ियों के लिए चलने लायक सड़क आपको बना करके देने का काम किया। गांव गांव घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब मजदूर किसान के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह खोलने का काम किया है। अपराधियों को देश की हवा जेल के अंदर भेजने का काम किया है। गुंडागर्दी पर नियंत्रण करने का काम किया है। 2014 में आप लोग उत्तर प्रदेश से 73 सांसद दिए, इसके कारण से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सरकार बनी थी। 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधायकों का समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसलिए योगी जी की अगुवाई में हमारी प्रदेश में सरकार बनी। मैं आप सबको जिस भरोसे से आपने केंद्र में सरकार बनाई थी, उस भरोसे के अनुसार केंद्र सरकार काम कर रही थी, जिस भरोसे से आपने प्रदेश में सरकार बनाई है उस प्रकार से प्रदेश सरकार काम कर रही है। विरोधी मुद्दा विहीन है, बिना दूल्हे की बात लेकर के चल रहे हैं। एक न सुनता है कि मोदी रोको, मोदी जी को रोकने के लिए एक लक्ष्य आप देश के कुछ करने का नसीब नहीं रखा, आप लग रखा गोभी लोगो। अरे मैं कहना चाहता हूं सपाइयों बसपाइयों कांग्रेसियों, जब 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार भी गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, अपराधियों के नियंत्रण में सारा शासन और प्रशासन संचालित हो रहा था और उत्तर प्रदेश की जनता ने अगुवाई ली, 73 सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जिता करके देने का काम किया। और 2017 में प्रदेश में सपा की सरकार रहते हुए शासन प्रशासन का घोर दुरुपयोग करते हुए जरूर परिस्थितियों में ना हुए और जनता ने अगड़ाई कहें 325 विधायक आपने जिता के दिया, तो जनता का मन तो मैं जानता हूं। आज एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए जो आपने संकल्प किया है, जो निर्णय लिया है, जो आपके मन में भाव है, वह भाव को मैं जानता हूं। मैं आप सब लोगों से यदा प्रार्थना करके इतना ही कहूंगा, जैसे आपने 2014 जिताया, जैसे 2017 जिताया, उसी प्रकार से 2022 में फिर से एक बार कमल का फूल खिलाइए, फिर से आप केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनाइए। क्या विकास का रथ जब तक श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय गडकरी जी का मंत्रालय खजाना खोल करके रखता था, जमीनों का अधिग्रहण तक नहीं होता था, पैसे तक
आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे प्रदेश में 20 महीने बीते हैं, 40 महीने बाकी हैं। आप नरेंद्र मोदी जी के 55 महीने कांग्रेस होंगे और वैशाखों की सरकार पर भारी है, इसलिए मैं आप सबको आज आह्वान करूंगा। 2019 का यह निर्णायक चुनाव है, देश को दुनिया में नंबर एक बनाने के लिए कमर फिराने की आवश्यकता है, इसलिए 2019 के चुनाव में भी एक बार फिर से कमर फिराने का संकल्प लें। हम सुशासन देंगे, हम विकास देंगे, हम सुरक्षा देंगे, हम ऐसा पीटल नगरी को भी कैसा विकास के पद पर आगे बताने की आवश्यकता नहीं। किसानों को हमको कैसा भी करके कर्जे से मुक्ति दिलानी है और सही अर्थ में देश की तरक्की और विकास करना है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमने बहुत अच्छी अच्छी नीतियां अपनाई है, अब देश बदल रहा है, गांव गरीब मजदूर किसान का भविष्य बदल रहा है, हमारी नदियां शुद्ध हो रही है, हमारे रोड अच्छे बन रहे हैं। मैं तो आगे आपको और कहूंगा कि मैंने हवा में चलने वाली डबल डेकर बस लाई है, वो क्यों नहीं मुरादाबाद में शुरू करते आप, वो वेबकॉस के एमडी को बुलाओ। अभी अर्जुन जी अपने जो है हमारे मंत्री राजस्थान के मेघवाल, मैंने उनके यहां प्रेजेंटेशन कराया वेबकॉस करके कंपनी वाटर रिसोर्स में मेरे विभाग में है, आप बोलो उनको उस दिन भेज देता हूं। वो हवा में चलने वाली डबल डेकर बस है, 260 लोग बैठते ऊपर में, पूरे वर्ल्ड में ऑस्ट्रिया में 65% उनकी टेक्नोलॉजी है। अब भारत की उसके साथ जॉइंट वेंचर हमने कर दिया है, मेट्रो को चलाने के लिए 350 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्चा है और मेट्रो से ज्यादा कैपेसिटी केवल 50 करोड़ पर किलोमीटर में होगी, मुरादाबाद के लिए, बरेली के लिए और छोटे छोटे शहरों के लिए ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी उपयोग की है। आप इसको जरूर लीजिए, इसके लिए एनएचएआई की लैंड में मुफ्त में दे दूंगा राइट ऑफ जाने का, और आप नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाइए। आप सभी विकास के कामों में भारत सरकार, मोदी जी और हम सब लोग आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेंगे और इस शहर का तस्वीर बदलने में आप सबको मदद करेंगे, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।